दिल्ली की तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई। टिल्लू ताजपुरिया पर रोहिणी जेल में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के मर्डर का आरोप था। टिल्लू की हत्या से जुड़ी जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक तिहाड़ जेल में योगेश टुंडा और उसके साथी दीपक तीतर ने लोहे की रॉड से टिल्लू पर हमला किया। इसके बाद उसे DDU अस्पताल में भर्ती किया गया जहां मंगलवार सुबह 6:30 बजे उसकी मौत हो गई। हालांकि अभी तिहाड़ जेल प्रशासन हार्ट अटैक से मौत बता रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है लेकिन कहा जा रहा है कि इसका कनेक्शन अतीक अहमद से भी था। यूपी के प्रयागराज में हुए अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या से भी टिल्लू ताजपुरिया का कनेक्शन जुड़ा हुआ था। जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं कुछ समाचार चैनलों के मुताबिक उसके मुताबिक अतीक अशरफ की हत्या का एक आरोपी सनी काफी समय तक गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के संपर्क में रहा। जितेंद्र गोगी ने सनी को जिगाना पिस्टल दी और दिल्ली कोर्ट में अपने दुश्मन टिल्लू ताजपुरिया को मारने का टारगेट दिया था लेकिन ये होता इससे पहले ही जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी गई। बहरहाल जब STF अतीक मर्डर के तीनों शूटर से पूछताछ कर रही है, हत्या की कड़ियों को जोड़ने में लगी है, तब अचानक टिल्लू ताजपुरिया पर तिहाड़ में हमला होना कई सवाल खड़े कर रहा है। जाहिर है देश के हाई सिक्योरिटी जेल में यानी तिहाड़ जेल में फिर गैंग वॉर हुआ है। गैंग वॉर में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई। तिहाड़ जेल में 19 दिन में यह दूसरा गैंग वॉर है। इससे पहले 14 अप्रैल को दिल्ली के गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की हत्या की गई थी। जेल सूत्रों के मुताबिक योगेश टुंडा तिहाड़ में जेल नंबर 8 में बंद था। यह जेल फर्स्ट फ्लोर पर है। टिल्लू ताजपुरिया ग्राउंड फ्लोर पर जेल नंबर 9 में था। गोगी गैंग के योगेश टुंडा और दूसरे मेंबर्स मंगलवार की सुबह 6:15 बजे अपने वार्ड की सिक्योरिटी ग्रिल काटकर बाहर आए। इसके बाद बेडशीट का इस्तेमाल करते हुए ग्राउंड फ्लोर पर कूद गए। यहां पर टिल्लू को हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया। गोगी गैंग के सदस्य टिल्लू के वार्ड में लगी ग्रिल को काटकर अंदर घुसे। जेल अधिकारी ने बताया गोगी गैंग ने लोहे के नुकीले हथियारों से टिल्लू पर हमला किया। टिल्लू को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। जो एक और कैदी घायल हुआ है उसका नाम रोहित है, उसका इलाज चल रहा है, वो फिलहाल खतरे से बाहर है। टिल्लू ताजपुरिया तिहाड़ जेल से कुख्यात बदमाश नवीन बाली, कौशल और गैंगस्टर नीरज बवानिया के साथ मिलकर गैंग ऑपरेट करता था। उसका नाम रोहिणी कोर्ट शूटआउट में आया था। सितंबर 2021 में रोहिणी कोर्ट में वकील की ड्रेस पहनकर आए दो हमलावरों ने जज के सामने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी पर गोलियां बरसा दी थी। गोगी की मौके पर मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटर मारे गए थे। तब टिल्लू ताजपुरिया मंडोली जेल में बंद था। उसकी गोगी गैंग से दुश्मनी थी, उसका नाम इस शूटआउट से जुड़ा था। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था और शुद्धानंद कॉलेज से पास आउट है। कॉलेज के दिनों में उसकी और जितेंद्र गोगी की दोस्ती मशहूर थी। दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में सीधे कभी नहीं उतरे पर दोनों अपने उम्मीदवार खड़े करते थे। टिल्लू ताजपुरिया 24 सितंबर 2021 में दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट का मास्टरमाइंड निकला। कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के लिए टिल्लू ने ही दोनों शूटरों को ट्रेनिंग दिलाई थी। वकीलों जैसा दिखने, उनके जैसा प्रोफेशनल व्यवहार करने की ट्रेनिंग दी गई। कोर्ट में हुए शूटआउट में दोनों शूटर मारे गए थे। इस मामले में पुलिस की तरफ से 111 पेज की चार्जशीट पेश की गई थी। माना जा रहा है टिल्लू की हत्या के पीछे गोगी गैंग का हाथ हो सकता है। टिल्लू और गोगी गैंग की दुश्मनी बहुत पुरानी है लेकिन कभी टिल्लू और गोगी दोस्त हुआ करते थे। फिर दुश्मनी ऐसी हुई कि अब तक गैंग वॉर में कई लोगों की जान चली गई है। टिल्लू ताजपुरिया के बारे में अगर और जाने तो आपको बता दें टिल्लू ताजपुरिया गांव का रहने वाला है, वहीं जितेंद्र गोगी अलीपुर गांव का। दोस्तों में खटास आने के बाद दोनों ने अलग अलग गैंग बना ली। 2010 में बाहरी दिल्ली के कॉलेज छात्र संघ चुनाव से ये रंजिश शुरू हुई जो गैंग वॉर में बदल गई थी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।